हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे आईएएस या यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो याद रखिए, अभी तक हम लोग 2011 से लेकर 2017 तक के प्रारंभिक परीक्षा के फर्स्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। याद रखिए, वो सभी लेक्चर आपके आईएएस नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। इसमें बात करने वाले हम लोग 2018 का सिविल सेवा का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर फर्स्ट, ठीक है। याद रखिए, परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम ए है। आपको पता होगा कि चार सेट आते हैं, तो उनमें से पहला सेट है, ठीक है, ABCD में, ठीक। इसमें 2 घंटे का आपको समय मिलता है, 200 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं। कितने? 100 क्वेश्चंस 200 नंबर के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी थी। गलत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। सही है। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। गलत है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? केवल 2, यानी कि बी ऑप्शन होगा। पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्ण रूपांतरण होता है? कठोर मोमिंग पर्ण, लघु पर्ण, पर्ण की जगह कांटे। ठीक है, ये में तीनों ऑप्शन होंगे। इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, होंगे तीनों हैं, ठीक। दूसरे का आपका डी होगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, NSSO के 70वें चक द्वारा संचालित कृषक कुटुंब की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। सही बात है। देश में कुल कृषि कुटुंबों में 60% से अधिक, कुछ अधिक ओबीसी के हैं। गलत है। केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंब ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। सही है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सी। 1 और 3 कथन सही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? NGT के गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। गलत है। NGT पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है। देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। सही है। तो 4 में कथन 2 सही है, यानी कि बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 2 कथन दिए गए, इनमें सही कथन देखना है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। सही बात है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है और उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। गलत है। केवल इसमें एक ऑप्शन सही है, 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6, कभी कभी समाचारों में आने वाला पद व्यापारी छूट दर को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? तो सी ऑप्शन होगा। यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाए जाने वाले शुल्क
शुल्क है, यानी कि सी ऑप्शन है, याद रखना ही मैं। ठीक है, इसमें सी हो गया पाँच में, छः में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सात, किसी देश के नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का क्या परिणाम है? इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी तक हो सक जाएगी। सही है, यह स्वयं नाभिकीय आयुध अपसार संधि का सदस्य बन जाएगा, बन सकता है। गलत है, यानी कि सात में ए होगा। ठीक है, सात का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आठ, अप्रवासी सत्यों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया। गलत है, भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी सत्य अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। ये भी गलत है, तो इसमें आपका होगा आठ में ना तो एक सही ना ही दो सही, यानी कि डी ऑप्शन, आठ का डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नौ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन देखना है। ठीक, तो पहला कथन है, राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण जीडीपी अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए 40% तथा राज्य सरकारों के लिए 20%। सही है, राज्य सरकार को जीडीपी के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 21% घरेलू देयता है। गलत है, भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य पर के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। ये भी सही है, यानी कि आपका सी ऑप्शन होगा, नौ का एक और तीन कथन सही है। ठीक है, क्या होगा सी। फिर अगला दस क्वेश्चन नंबर दस, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। सही बात है, सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सही आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती है। गलत है, इसमें केवल एक कथन सही है। ठीक है, दस का होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 11, उन्होंने मैजनी गैरिबाल्डी शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे, वे थे? तो आपको बता देना है लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन है 11 का, याद रखिए 11 का आपका क्या है सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन कौन से इस कथन सही है ये देखना है, आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। गलत है, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय लुप्त नहीं कर सकता है। गलत है, तो इसमें कौन सा कथन, दोनों कथन सही गलत हैं, तो इसमें ना तो कथन एक सही और ना ही दो, डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया है, सूख गया है? अराल सागर सही है, काला सागर, बैकाल सी लाइन, इसमें केवल एक होगा कथन सही, एक ए ऑप्शन सही है, 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14, विधि का नियम सूचकांक को निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको बता देना है विश्व न्याय परिषद न्याय परियोजना द्वारा।
डी ऑप्शन सही है, 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो याद रखना है आपको, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, सी ऑप्शन सही है, 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनना है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह राशि है जिसे बैंक को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिसे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सकें। ये गलत है। दूसरा, सीआर का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है, ये भी गलत है। तो इसमें क्या होगा, 16 में आपका डी होगा, ना तो एक सही है ना ही दो, 16 का डी। 17 क्वेश्चन नंबर, पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है, इसका क्या अभिप्राय है? इससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है, सही है। परितारिका का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है, ये भी सही है। यानी कि आपकी दोनों कथन सही हैं 17 के, तो आपका इसमें सी ऑप्शन होगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में से किस देश ने लाखों लोग या तो भयंकर अकाल या कुपोषण से प्रभावित हुए या उनकी युद्ध संजातीय संघर्ष के चलते उत्पन्न भूकंपी के कारण मृत्यु हुई है? तो आपको बता देना है, यमन और दक्षिण सूडान, डी ऑप्शन है, 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, सही है। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, गलत है। इसमें एक ए ऑप्शन सही होगा, कथन ए और दो सही है, ठीक, 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है कि सदन को सूचित करती है कि जो नियम विनियम नियम उपनियम उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा विदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है? अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, 20 का आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित पर विचार करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने हेतु आय होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है, ये गलत है इसमें, ठीक है, गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका कथन दूसरा है, आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, सही है। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है, गलत है। यानी कि आपका केवल दो सही कथन इसमें, 21 में बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित योगों पर विचार करना है, परंपरा है और ये राज्य, चप चार कुट त्योहार मिजोरम, ये आपका सही है। खोंग जोम परवा गाथा गीत मणिपुर, ये भी सही है। थांग टा नृत्य सिक्किम, ये गलत है, आपका होगा बी ऑप्शन सही, एक और दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य आप मिश्रण की रोकथाम अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया है, सही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में स्वास्थ्य सेवा महा
निदेशक के प्रभार में है, गलत है, यानी कि एक कथन एक सही है 23 का, तो इसमें ए ऑप्शन होगा, ठीक है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 24, कभी 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 समाचारों में उल्लिखित द उल्लिखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधि में संदर्भ में आता है, याद रखना है इजराइल। 24 का बी है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के दिन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें सही कथन देखना है। केवल वे परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा में नीचे श्रेणी में आते हैं, गलत है। परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी, ये सही है। गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान उनके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं, ये सही है, गलत है। तो इसमें केवल 25 में आपका बी होगा, क्या होगा बी, केवल दो कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में माल के औद्योगिक संकेत अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्व के अनुपालन के लिए लागू किया गया है, तो आपको बता देना है WTO, डी ऑप्शन सही है 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है, वो गलत है। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं है, ये भी गलत है। राजस्थान में लोहे अयस्क की खदानें हैं, ये सही है, डी ऑप्शन है 27 का, 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है, सही है। जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के लिए सिर्फ 2 घटक हैं, ये गलत है, मतलब इसमें ए ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, तो याद रखिए बेंगलुरु, क्या है बेंगलुरु, आपका 29 का ए है। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं संगठन के 138 एवं 182 अभी समय किससे संबंधित हैं, तो आपको बता देना है बाल श्रम से, ए ऑप्शन सही है 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अब याद रखना है, यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है, किसी बिल को धन विधेयक तब माना जाएगा जब उसमें केवल किसी कर के अधिरोपण उन्मूलन माफी परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान है, ये सही है। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं, ये भी सही है। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित है, ये गलत है, तो इसमें सी ऑप्शन होगा, याद रखिए आपका 31 में सी है। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्यापूर्ति देने के विनिमय से संबंधित होता है, ये भी सही है, आपका इसमें 31 में सी ऑप्शन है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रत्येक MLA के बोर्ड का मूल अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, सही बात है। लोकसभा के सदस्यों के बोर्ड का मूल राज्यसभा के सदस्यों के बोर्ड के मूल से अधिक होता है, ये गलत है, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है।
ठीक है, 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नयाचार का अनुसमर्थन करने का निर्धारित क्या है? तो 33 में असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपाय किस अधीन आता है? तो याद रखिए 33 का ए है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन अभी आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से हैं? मुक्त व्यापार भागीदारों में से हैं। 34, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, ठीक है, चार देश हैं। एक ऑप्शन सही है, चार ऑप्शन सही हो, तीन ऑप्शन सही हो, पांच, यानी कि 1 3 4 5, 1 3 4 5 सी ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक है, क्या है, सी ऑप्शन सही है 34 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक सहबंध किस संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? GACS 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन में एक परिणाम है, गलत है। CACS में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, सही है। CAGACS के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी, गलत है, इसमें केवल बी ऑप्शन सही है, केवल दो कथन सही है, याद रखिए इसमें केवल दो कथन सही है, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना के उद्देश्य हैं? भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसे कि चीन ने किया है, गलत है। एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिसे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन किया जा सके कि भी हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा की स्थापना करें, ये भी गलत है। हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना, हमारे बहुत से विद्यार्थी सार्वजनिक स्थलों प्रमुख पर्यटक स्थलों में वाईफाई लाना, ये सही है, इसमें केवल तीन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शहर देश हैं ये, ठीक है। तो 37 का अलेप्पो सीरिया सही है, और फिर आपका मजार ए शरीफ अफगानिस्तान, 1 और 4 सम्मिलित हैं, ठीक है, इसमें क्या है, बी ऑप्शन है, 37 का बी। है क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय शासन अधिनियम 1945 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो आपको याद रखना है 38 में बी होगा, गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा, सही बात है। जबकि भी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा नहीं, तो इसमें केवल ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 40, क्वेश्चन नंबर 40, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो आपको याद रखना है 40 का आपका होगा, 40 का क्या होगा, बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, 40 का बी है।
क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती है। सही है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। ये भी सही है, याद रखिए सी ऑप्शन है आपका, 41 का सी है, 41 सी। क्वेश्चन नंबर 42, सुप्रसिद्ध चित्त बड़ी बनी ठनी किस शैली का है? तो आपको बता देना है किशनगढ़ शैली। क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफरेंस क्या है? तो याद रखिए अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली आपका सी सही है। क्या है? सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो सही कथन चुनना है इनमें से हमें। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं, गलत है। त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया, ये सही बात है आपकी। अत्माचार और त्यागराज समकालीन थे, ये भी गलत है। अत्माचार कीर्तन भगवान के वेंकट स्वर की स्तुति के भक्त गीत हैं, ये सही है। यानी कि आपका 2 और 4 कथन सही है इसमें। 44 का होगा बी, 44 का बी होगा। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किनको विधि के समान विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, सही बात है। विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये गलत है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये भी सही है। यानी कि सी ऑप्शन होगा, 1, 2 और 4 ऑप्शन सही है इसमें। 1, 2, 4 कथन सही है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा के अर्थ को सही वर्णित करता है? वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, क्या होगा? बी ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है, 46 का बी। क्वेश्चन नंबर 47, यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो सैंतालीस में सी होगा, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ताओं से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है, ठीक है। 47 का बी है, 47 का सॉरी सी है, और 46 का था बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती, यदि, तो 48 में क्या होगा आपका? सी,
निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, इसमें चार कथन दिए गए हैं तो सही कथन चुनना है इनमें। 49, किसी देश की व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं, गलत है। देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, सही है। गोचर धन का संचय हो पाता है, गलत है। अगोचर धन का संचय हो पाता है, सही है। यानी कि कथन 2 और कथन 4 सही है इसमें, तो सी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, 49 का सी। फिर है आपका 50 क्वेश्चन नंबर 50, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है। तो 50 में होगा डी, उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। ठीक है, याद रखिए 50 में डी है। क्वेश्चन नंबर 51, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद उपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, ये भी सही है, सी ऑप्शन होगा 51 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, तो इसमें भी सी ऑप्शन होगा, भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण, 52 का सी। क्वेश्चन नंबर 53, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो 53 में उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकरण के अधीन प्रयोज होंगी, बी ऑप्शन है 53 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना हो सही युग्म चुनना है इनमें। ये शिल्प में किस राज्य की परंपरा, तो 54 में पुथुकुली सोल, ये तमिलनाडु सही है। बाकी सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र, ये भी गलत है। उपाड़ा जामदानी साड़ी, ये भी कर्नाटक, ये भी गलत है। केवल इसमें एक कथन होगा, 54 का आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 55, जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हो सकता है, तो याद रखना है आपको, मोबाइल फोन्स परिचालन, बैंकिंग परिचालन, पावर ग्रिड का नियंत्रण, तीनों सही हैं, डी ऑप्शन है आपका 55 का आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं, गलत है। भारत सरकार कोष पत्र जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती हैं, ये सही है। कोष पत्र ऑफर अपने समूल से बट्टे पर जारी किए जाते हैं, ये भी सही है। इसमें सी ऑप्शन होगा 56 में। ठीक है, 56 में सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र पर हर कुछ 100,000 सालों में उत्पत्ति हुआ है, सही है। पृथ्वी पर 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी है, जो ऑक्सीजन का 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, तो ये गलत है। जब जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, ये सही है। इसमें सी ऑप्शन होगा, 57 में सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58,
वात्रा क्राई पेट्या और इंटरनल ब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित हैं? तो याद रखना है साइबर आक्रमण क्या है 58 का सी। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? पहला है एक धान कृषि पद्धति का परिहार, गलत है। न्यूनतम जोत को अपनाना सही है। बागवानी फसलों की खेती का परिहार, यह भी गलत है। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग, ये सही है। और पाँचवा है हमारा स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण आवर्तनों को अपनाना, ये भी सही है। यानी कि 2, 4 और 5 सही है, यानी कि होगा आपका सी। क्या होगा? सी, 59 का सी। क्वेश्चन नंबर 60, छठा विलोप यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में उल्लेखित होता है? तो 60 याद रखना आपका डी ऑप्शन होगा। 7 का क्या होगा? डी। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अति शोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का सम विभाजन नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन, डी ऑप्शन है, ठीक है 60 का। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आईआरएनएस में तुल्यकाली कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं, जो भूतुल्यकाली कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं, सही है। और फिर है आपका आईआरएनएसएस की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और उसकी सीमाओं को की लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक हैं, ये गलत है। 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी, ये भी गलत है। एक ऑप्शन सही है, इसमें होगा आपका ए ऑप्शन, 61 का आपका ए है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करना है आपको। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा है ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। तीसरा है पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित करता है। उपयुक्त में से अल्बर्ट आइंस्टीन के अपेक्षित के समानता सिद्धांत का भविष्य कथन कौन से हैं, जिनकी प्रयास समाचारों में माध्यमों से विवेचना होती है? तो इसमें आपके 3 सही हैं, ठीक है। डी ऑप्शन है आपका, इसका क्या है 62 का डी। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में विकसित आनुवांशिकता रूपांतरित सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं, जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरोध पीड़क प्रतिरोधों का गुण देते हैं, गलत है। जीएम सरसों के वे जीन होते हैं जो पादप में परपरागण और संकरण को शुक्र बनाते हैं, सही है। जीएम सरसों का विकास EIARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ये भी गलत है। बी ऑप्शन इसमें केवल 2 है, क्या है 2, 63 का आपका बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में आने वाले शब्द और संदर्भ विषय हैं,
इनमें सही सम्मिलित चुनना है अपन को। तो 64 में बेल सेकंड कृत्रिम बुद्धि गलत है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा ये सही है, क्रिस्पर Cas9 गढ़वत की ये भी गलत है, इसमें बी होगा ऑप्शन, 64 में बी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है, तो 65 में ए होगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, ठीक है 65 का आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66, जब सुबह आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं और अलार्म को बंद करने के लिए उसे थपकी देते हैं जिसमें आपकी गीजर सुताई चल पड़ता है, आपको स्नानागार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है, वो आपकी ऊपर टंकी में पानी के स्तर का भी संकेत देता है, जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकाल लेते हैं यह इसकी इसमें भंडारित सामान में आई कमी को जान लेता है और ताजे किराना सामान की आपूर्ति के लिए क्रायादेश दे देता है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं और दरवाजे पर ताला लगाते हैं तब सभी बत्तियां, पंखे, गीजर और एसी मशीनें स्वतः बंद हो जाती हैं, आपके कार्यालय के रास्ते पर आपकी काय आगे आने वाले यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी दे देती है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है, और यदि आपको किसी बैठक के लिए देर हो रही है तो यह उसके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश भेज देती है। इस आविर्भूत होती हुई संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में उपयुक्त परिदृश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से लागू होता है, तो 66 में आपका होगा बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 66 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, भारत विकास वोल्टी इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स की दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, गलत है, सौर ऊर्जा ऊर्जा का शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है, डी ऑप्शन है इसमें, 67 में आपका डी है, ना तो एक सही है ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 68, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पर्ण पदार्थ क्या थे, तो आपको बता देना है, कपास, रेशम, सोरा, अफीम, 68 का डी है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है, तो याद रखिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, सी ऑप्शन है 69 का। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे, तो याद रखिए इसमें अशोक मेहता, टीएस रामानुजम और जीजी मेहता, डी ऑप्शन है 70 का डी। क्वेश्चन नंबर 71, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो याद रखना है 71 का क्या होगा, बी जैन मत, 71 में बी। क्वेश्चन नंबर 72, है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ, गलत है, लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है, ये भी गलत है, इसमें आपका दोनों गलत हैं, तो 72 का होगा डी, 72 का क्या होगा डी, ठीक 72 का डी होगा। आगे बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों का विस्तृत रूप से चर्चा किया है? तो याद रखना 73 में आपका होगा बी जिया बैप्टिस्ट ट्यूनियर। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो याद रखना मैत्रेय, सी ऑप्शन सही है 74 का। क्वेश्चन नंबर 75, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो 75 का होगा सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, भारतीय रियासतों के ऊपर विशिष्ट सर्वोच्चता स्थापित करना। इसमें सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? उन 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यवेद एवं आंग्लवेद विवाद। सही है तीनों। ठीक है, डी ऑप्शन होगा 76 का। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम झील है? तो याद रखिए 77 में आपका कोडाई कनाल तमिलनाडु में, 77 का ए है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है, गलत है। यह अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। सही है, यह देश के आवीण्य कार्यबल की कार्यकुशलता को राष्ट्रीय कौशल योग्यता के साथ जोड़ेगी। सही है, यानी कि इसमें होगा आपका सी ऑप्शन सही, 78 में सी ऑप्शन सही हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो याद रखिए 79 में ऑल इंडिया होम लीग, ए ऑप्शन सही है 79 का। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली हुई? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। ठीक, बी ऑप्शन सही है 80 का। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकता है? नदी की लवणता में कमी, गलत है। भूम जल का प्रदूषण, सही है। भूम जल स्तर का नीचे चले जाना, ये भी सही है, बी ऑप्शन हो गया 81 का बी। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 82 में मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है, गलत है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है, ये भी गलत है। कुछ का समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीभवन में योगदान कर सकती है, ये भी सही है, ये सही है केवल 3। ठीक, इसमें होगा बी ऑप्शन आपका, केवल 3 ऑप्शन बी है, केवल 3 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83,
क्या है आपका 83? हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदार जो अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी व्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्रियाविधि है आविर्भूत हुई है। तो इसमें होगा 83 में हमारा भी री डी जिनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 83 का भी है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, थ्री डी मुद्रण का निम्नलिखित में से किस में प्रयोग होता है? मिष्ठान की चीजें बनाने में, जैव इलेक्ट्रॉनिक करण के निर्माण में, ऑटोमोटिव उद्योग में, पुनर्निर्माण शल्यकर्म में, दत्त संसाधन उद्योग प्रौद्योगिकियों में। तो इसमें याद रखिए पांचों सही हैं। ठीक, तो इसमें आपका होगा 84 में डी, 84 में डी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। सही है, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। गलत है, पिछली बार बैरन ज्वालामुखी द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था, तब से यह निष्क्रिय अवस्था निष्क्रिय बना हुआ है। गलत, इसमें केवल एक ऑप्शन सही है, 85 का आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 86, प्रोसिपिस जूली फिलोरा नामक पादप प्रयाग क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? याद रखिए जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। ठीक है, 86 का आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। सही है, विश्व की एक तिहाई से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में मिलती है। सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। ये भी सही है, तो इसमें आपका 87 में होगा डी, क्योंकि तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 88, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है? याद रखिए UNFCCC सचिवालय, सी ऑप्शन सही है 88 का। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये संस्थान है और इस संस्थापक है, सुम्बले, सही सुम्बले चुनना है मैं इनमें से। 89, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय विलियम जॉन्स, गलत है, कलकत्ता मदरसा वॉरिंग्स हेस्टिंग्स, ये सही है, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर बेलीजली, ये भी गलत है, आर्थर बेलीजली, ये भी गलत, तो इसमें बी ऑप्शन होगा, केवल दो है। ठीक है, 89 का बी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। क्षेत्रों जो कभी कभी समाचारों में उल्लेखित रहते हैं, ये देश हैं, कैटालोनिया स्पेन में, सही है, कीमिया हंगरी, गलत है, मिंडानाओ फिलीपींस, ये सही है, अरोमिया नाइजीरिया, ये गलत है, तो इसमें एक और तीन सही है, सी ऑप्शन होगा आपका। 90 का आपका क्या होगा? सी, एक और तीन। ठीक है, फिर होगा 91, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त घटनाओं का सही काल अनुक्रम है? भारत के किस भी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई साम्यवादी दल की सरकार? भारत सरकार का उस समय की सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया
जिसका नाम था वो बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। तीसरा है एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गई। चौथा है गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना। ठीक है, तो इसमें आपका होगा 91 में पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4, मतलब 91। इन एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बनी। सही कालक्रम देखना है। ठीक है, फिर होगा भारत का उस समय का राष्ट्रीय सबसे बड़ा बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका बदल नाम बदल कर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। फिर होगा भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। फिर गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना लास्ट में। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका 91 का। क्वेश्चन नंबर 92, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उपयुक्त कथन सही समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रताएं। क्या है आपका 92 का है सी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित पर विचार करना है हमें, सुपारी, जो कॉफी, रागी, मूंगफली, तिल, हल्दी, उपयुक्त में से न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है। तो इसमें 93 में हमारा होगा बी। 93 में क्या होगा बी, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, इन सभी की, जौ, रागी, मूंगफली, तिल। ठीक है, क्या है आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, 2, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में पखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाली वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। PSLV से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरन में उपयोगी हैं, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभी कल्पित किया गया है। सही है, PSLV द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर रहते प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी एक विशिष्ट स्थान में देखी जाती है। गलत है। फिर होगा तीसरा होगा GSLV MK3 एक 4 स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है, जिसमें प्रथम और द्वितीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों का तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है। ये भी गलत है। आपका 95 का ए होगा, केवल एक सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया। सही है, तो 96 में बी है आपका। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित मदों पर विचार करिए, छिलका, उतरे हुए अनाज, मुर्गी के अंडे पकाए हुए, संसाधित और डिब्बाबंद मछली, विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्रों में। उपयुक्त मदों में से कौन से GST के अंतर्गत छूट प्राप्त है? तो आपको याद रखना है
97 का होगा सी, एक दो और चार, ठीक सी होगा इसमें, 97 का सी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। सही बात है, भारत में पहली बार बेगा को पर्यावास अधिकार दिए गए, ये भी सही है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है, उसकी घोषणा करता है, ये गलत है। आपका होगा इसमें 98 में ए ऑप्शन सही, एक और दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पक्षी, उड़ते धूल, वर्षा, बहती हवा, उपयुक्त में से कौन पादप रोग फैलाते हैं? तो याद रखना चारों, ठीक है, इसमें डी ऑप्शन होगा, 99 में आपका डी। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैविक, तो इसमें 100 में आपका जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है, गलत है। NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में कार्य करता है, सही है। सिक्किम भारत का पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है, ये भी सही है। तो दो ऑप्शन, दो और तीन सही है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है, 100 का, ठीक 100 का बी है। चलिए, तो ये था हमारा UPSC या IAS का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट 2018 का। आगे हम बात करेंगे 2019 के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर फर्स्ट के बारे में, ठीक है।